नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के 6 से 8 राज्यों में कैश पर कर्फ्यू लगा है। एटीएम से नकदी नदारद है, बैंकों से भी पैसे निकालना मुश्किल हो रहा है। पहले नोटबंदी और अब नकदबंदी, इंडिया बेहाल। वित्त मंत्रालय आरबीआई सब ने बयान जारी किया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर बयान की नहीं, कैश की दरकार है। और साथ ही ये सवाल भी कि जब सरकार चीख चीख कर ये कहती है कि इकोनॉमी में कैश की किल्लत नहीं है, तो फिर पैसे की मारामारी आखिर क्यों हो रही है, और ये कैसे कैशलेस इकोनॉमी है जहां कैश के लिए इतनी चीख पुकार एटीएम पर है। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। मैं लगभग 10-12 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को कैश यहाँ मिल नहीं रहा है। अब एटीएम्स बंद होने की वजह से मतलब कैश की बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। ज्यादा एटीएम्स कल तो बहुत घुमा है, कहीं भी पैसे नहीं है। देश को हम कैशलेस बनाएंगे तो वाकई ये कैशलेस हो चुका है। पैसे पैसे के लिए तरसना, इसे ही कहते हैं। खाते में पैसा है लेकिन हाथ खाली है, बाजार में पैसा है लेकिन एटीएम खाली है। शादियां हैं, ब्याह है, पर्व त्योहार है, अनाज चाहिए, इलाज चाहिए, लेकिन जेब खाली। शादी में जाना है मुझे दूसरे फ्रेंड के यहाँ, तो मेरे पास कोई कैश नहीं है। 3-4 दिन से बता रहे हैं कि पैसे यहाँ पे हैं नहीं, और अब बारात आने वाली है घर में, ये कह रहे हैं कि हम लोग 2,000 या ज्यादा से ज्यादा 3,000 देंगे। सर दवा लाना था, पैसे की कमी हो गई, किसी एटीएम में पैसा नहीं है, 2 दिन से हम परेशान है। चमोली से चतरा तक, पटना से पाटन तक, भोपाल से भभुआ तक हाहाकार मचा है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। नकदी का दर्शन ईश्वर के दर्शन से ज्यादा दुर्लभ हो गया है। बिहार के छपरा में तो बैंक के एक स्टाफ को जान बचाना भारी पड़ गया। मानो नकदी नहीं, साक्षात नारायण हो, जिनकी तलाश में देश जुटा है। अजीब सी बात है, रिजर्व बैंक का पेट नकदी से भरा है, लेकिन पैसा रहते हुए भी हम और आप पाई पाई के मोहताज हैं। सारे राज्य ऐसे नहीं है जिसको आपने बताया, कुछ राज्यों में जरूर अधिक हो गया है और कुछ में कमी हो गया। तो शासन स्तर पर एक कमेटी बना दी गई है और रिजर्व बैंक भी अपना वो कर रहा है, इस तरह से पैसे की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी डिस्पेरिटी हो गई है, उसी को हम ठीक। छोटे मंत्री ने कबूल किया कि हाँ नकदी का संकट है, लेकिन बड़े मंत्री तो यहाँ भी बच कर निकल गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की माने तो बैंकों में नकदी की कोई कमी नहीं, बाजार में भरपूर नकदी उपलब्ध है, अचानक मांग से कुछ जगहों पर कैश संकट हुआ, सरकार ने समीक्षा कर ली है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वित्तीय मामलों के सचिव कह रहे हैं कि नोट की कमी है, इसीलिए रिजर्व बैंक अतिरिक्त नोट छापेगा। डिमांड और बढ़ती है तो भी हमारे पास पर्याप्त सप्लाई रहनी चाहिए, उसके लिए पिछले कुछ दिनों में हमने करेंसी प्रिंटिंग करने का कार्यक्रम भी बहुत बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री कहते हैं कि भरपूर नकदी है, वित्त मंत्रालय के सचिव कहते हैं नकदी कम पड़ रही है, छापना पड़ेगा। वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कुछ राज्यों में ज्यादा नकदी हो गई है, इसीलिए असंतुलन से संकट है। और बीजेपी के एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं नकदी संकट के पीछे साजिश है। 2,000 के नोट कहां जा रहे हैं, कौन दबा के रख रहा है, कौन क्या इसकी कमी पैदा कर रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, ये भी षड्यंत्र है ताकि दिक्कतें पैदा हो। अच्छे दिन आ गए और जनता, किसान किसान मजदूर गरीब, इनके बुरे दिन, बुरे दिन। वाकई कैश संकट की वजह समझ पाना बड़ा टेढ़ा काम है, तरह तरह की थ्योरी चल रही है और इन सब के बीच नकदी की तलाश में आम लोग थक कर चूर हो रहे हैं, उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो रही हैं। पटना से रोहित कुमार, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। क्यों मोहताज है कैश को इंडिया, इसी पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर शेरगिल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रविंदर गुप्ता जी, जो कि जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के, वो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। अश्विनी राणा जी, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के, हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। मैनेजिंग एडिटर बिजनेस टीवी टुडे के राजीव दुबे हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर पात्रा, आपके पास आते हुए, डॉक्टर साहब बताइए क्या हो गया है, कौन सी बीमारी लग गई है और कौन सी है ये साजिश?
जो आपके स्टार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं, मतलब एटीएम में कैश नहीं है तो ये कौन कर रहा है साजिश? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस टॉपिक पे डिबेट रखा है, क्योंकि जो ज्वलंत विषय है उस विषय पे जनता तक सच्चाई पहुंचाना ये बहुत अनिवार्य है। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और मैं गुहार करता हूं सभी से, खास करके पॉलिटिशियन से, कि इसमें हम र्यूमर मॉन्गरिंग ना करें, क्योंकि अगर र्यूमर मॉन्गरिंग होता है, झूठ का सहारा हम लेते हैं, तो और होर्डिंग होना शुरू हो जाएगा जिससे आम जनता को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं कुछ फैक्ट्स आज तक जो कि हिंदी का सबसे बड़ा चैनल है उसके माध्यम से रखना चाहता हूं। देखिए पहली बात है, डीमोनिटाइजेशन के समय जो कैश क्रंच जिस समय हुआ था आपको याद होगा, उस समय जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन था वो 17.5 लाख करोड़ का था। आपको बता के हमें खुशी है कि अब जो कैश टोटल करेंसी जो अभी सर्कुलेशन में है वो रुपीज 18.44 लाख करोड़ है। इसलिए कोई कैश क्रंच नहीं है, कोई क्रैश करेंसी की कमी नहीं है इस देश में। दूसरी बात है, जो अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, प्रतिदिन पहले 500 करोड़ रुपए नकद छपते थे, अब 2500 करोड़ रुपए नकद छपते हैं। दूसरी बात, रिजर्व बैंक के पास 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए रिजर्व है, इसलिए कोई चिंता ना करें। रीडिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हुआ है, किन कारणों से यह हुआ है? आपने साजिश के लिए भी कहा, शिवराज जी ने साजिश की तरफ इंगित किया, मैं 5 कारण आपको दे देता हूं, यहां एक्सपर्ट बैठे हैं। नंबर एक, देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही है, जिस एटीएम बैंक तक पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है, किसी और चेस्टेड, 4000 चेस्टेड बैंक्स हैं जो चेस्ट रखते हैं, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया जाएगा। दूसरी बात है, फेस्टिवल का सीजन है, एक बहुत बड़ा स्पर्ट हुआ है, पहले प्रति माह अगर जुलाई से सितंबर तक देखें तो प्रति माह मात्र 20,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती थी, इस महीने में मात्र पहले 13 दिन में ही 45,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डिमांड हुआ है फेस्टिवल के लिए। आपके FRDI बिल जो आने वाला है भविष्य में, उसको लेकर बहुत सारा र्यूमर मॉन्गरिंग हो रहा है, उसके लिए कुछ लोगों ने मनी होर्डिंग कर ली है, और इसको इसको साजिश, इसी का साजिश कहा जा सकता है। साजिश का अर्थ ये नहीं है कि कोई पैसा लूट के बैंक से ले गया है। इलेक्शन कर्नाटक में है, इसलिए कर्नाटक में भी कुछ पैसा जो है वो होर्डिंग हुआ है। अब लास्ट बात है कि ये हार्वेस्ट का सीजन है, हार्वेस्ट के सीजन के कारण भी कुछ पैसा इसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, या एक्सपर्ट बैठे हैं, मुझे लगता है एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं सरकार की तरफ से कि 2 या 3 दिन में ये सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद किसी प्रकार से चिंता का विषय नहीं। इससे पहले कि मैं अन्य प्रवक्ताओं के पास जाऊं, आपने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में ही गलती आपको समझ में आ रही है, किसकी गर्दन पकड़े? नहीं नहीं, विपक्ष ने बिल्कुल सही कहा। देखिए आप हमसे, देखिए अगर कोई, अरे भदौरे साहब मेरे से पूछा सवाल, मैं सत्ता का कोई मतलब नहीं इसमें, मेरे से सवाल पूछा, बता दीजिए। देखिए अंजना जी, बिल्कुल आप बता दीजिए, अंजना जी आप जब मुझे मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। मिस्टर भदौरिया, मेरे साथ 6 लोग इस पैनल में हैं, मेरा सबसे ये अनुरोध है कि प्लीज अपना नाम और अपनी बारी आने पर बोले। मुझे पता है भदौरिया साहब आपको बोलने का शौक है, लेकिन प्लीज सर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मैं मांग रही हूं कि हम किसकी गर्दन पकड़े, एक बार वो बोल लें। संबित पात्रा जी, 2 लाइन में जवाब, किसकी गर्दन पकड़े, कोई भूमिका मत बांधिएगा। नहीं नहीं, अंजना जी इसमें कोई दो मत नहीं है, सरकार में हम हैं तो हमारी ही गर्दन आपको पकड़नी पड़ेगी, और किसकी गर्दन पकड़ेंगी आप? तो अनुराग भदौरिया जी की गर्दन क्यों पकड़ेंगी, वो सरकार में नहीं है, और मेरा काम है आपको जवाब देना और जनता के जो प्रॉब्लम्स है उनके विषय में सच्चाई से बोलना। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन की गड़बड़ी जो मैंने कहा उसका अर्थ यह है कि जहां फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, जैसे नॉर्थ बिहार में हो गया, कर्नाटक में जहां चुनाव चल रहा है वहां रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जी सर, जयवीर शेरगिल, 15 मिनट चाहिए राहुल गांधी को, सब ठीक कर देंगे, मोदी जी को चुप कर देंगे कैश क्रंच पे। मोदी जी और उनकी सरकार का पर्दाफाश कर देंगे। संबित से कम समय लूंगा पर 3-4 बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले अंजना जी, ये नोटबंदी का ही फरेब है, क्या जनता का जो पैसा बैंकों में था बैंक से निकल के भाजपा और उनकी साथियों की जेब में चला गया? ये कैश क्रंच की बात करते हैं, सिर्फ आम जनता ही कैश क्रंच को देख रही है, भाजपा और उनके साथी तो कैश रिच हो गए हैं। आज भाजपा सरकार और उनके साथी मालामाल और आम जनता ठनठन गोपाल, और ये 3-4 तथ्य साबित करता हूं। क्यों नोटबंदी के बाद भाजपा की संपत्ति में 80% वृद्धि हो गई? कैश क्रंच तो होना ही था जब नीरव मोदी मेहुल चौकसी 70,000 करोड़ लेके भाग गए, कैश क्रंच होना था क्योंकि उद्योगपतियों का 2,72,000 करोड़ का आपने जो लोन था वो उसकी माफी कर दी।
प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे 50 दिन की मोहलत दीजिए, नोटबंदी के बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। आज दो साल हो गए हैं आपको बीच में टोक रही हूं मैं। हाँ, तीन एक्सपर्ट्स हैं, तीनों हंसे वो जरूर हंसे सर। बैंक और कैश क्रंच में अब आप नीरव मोदी वो हंस रहे हैं, एक्सपर्ट हंसे आंकड़ों की जादूगिरी। मैडम मैडम हाँ जरूर हंसे क्योंकि आम आदमी एक्सपर्ट नहीं समझता। आज इस बात का नचोड़ है वो लाइन में लगा हुआ है, जय शाह और पीयूष गोयल की संपत्ति में वृद्धि, इनको कैश क्रंच नहीं। और आखिरी तथ्य, बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन ने जब कहा था कि 30-40% कैश में क्रंच होने वाला है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? जब बैंकिंग ऑफिसर कॉन्फेडरेशन ने वार्निंग चेतावनी दे दी थी कि 30-40% इसमें क्रंच है तो बैंक ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? अनुराग भदौरिया जी अब आपकी बारी है, बोलिए जी। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो उसने डिजिटल इंडिया का नारा दिया। बिल्कुल सही बात है, आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, तो जब डिजिटल इंडिया की बात की थी तो आपको इस सब चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे बी सी ग्रेड की भी सिटीज हैं, टाउन है जहाँ पे इंटीरियर में कैश के बगैर काम नहीं चलता है। वहाँ पे एटीएम तो पैसे तो चलो किसी तरह से आदमी निकाल लेगा, लेकिन हर जगह बिना कैश के आप फीस भी स्कूल कॉलेज में जमा नहीं कर सकते। हालांकि कितने लोग परेशान है मैं जगह बता सकता हूँ, मिर्जापुर, गाजीपुर, शामली, मुगलसराय, लखीमपुर में लोग अपने इलाज कराने तक के उनके पास पैसे नहीं है कि अपने मेडिकल हॉस्पिटल में जाएं, और लोग उनको भर्ती नहीं ले रहे क्योंकि उनके पास कैश जमा करने को नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अगर मंत्री ये कहें कि ये साजिश है, मुख्यमंत्री जैसे लेवल के कहें साजिश है सरकार आपकी, साजिश हमारी कैसे हो सकती है? कहीं विपक्ष कोई एटीएम में घुस के बैठ नहीं गया है कि एटीएम के अंदर घुस के विपक्ष बैठ गया वहां से पैसा निकाल के ले जा रहा है? इतनी सफाई से पात्रा जी ने बड़ी भूमिका बनाई, आपकी भी तारीफ की, चैनल की भी तारीफ की, नहीं आपकी भी तारीफ की, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं। पात्रा जी को बोलना चाहिए कि हमने जो डिमोटाइजेशन किया था उस समय हमने 50 दिन मांगे थे, 50 दिन दे दो मैं देश की सब कुछ ठीक हो जाएगा, 50 दिन तब मांगे थे, 100 दिन आपने काला धन लाने को मांगे थे। अब तो ये 2 साल हो गए, कहां चला गया वो, कहां समस्या? पहले हम बैंक की लाइन में खड़े थे, अब एटीएम की लाइन में खड़े हैं, आखिर मेरा ही पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। रेलगाड़ी बंद होगी तभी तो मैं बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? अरे भाई आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप रिपीट मत कीजिएगा। देखिए अंजना जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा ना, जो साजिश है ये विपक्ष की साजिश है। मैंने ओहो कैसे बात करूंगा, प्लीज अंजना भाई, मंत्री कह रहे हैं विपक्ष की साजिश है, मैंने मुख्यमंत्री कह रहे हैं षड्यंत्र है। अरे मैं समझा तो रहा हूँ, आप शांति से सुनिएगा तभी तो समझाऊंगा मैं। अंजना जी कैसे बात करूं, क्या समझाऊं अंजना जी? मैंने आपको अच्छा, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, आप भदौरिया जी से ही बुलवा लीजिए। बताइए भदौरिया जी, आप ही फाइनेंस मिनिस्टर बनके बताइए, मैं शांति से सुनता हूँ क्योंकि आपका जवाब नहीं। देखिए अंजना जी, अंजना जी मैंने तो शुरू से कहा विपक्ष के ऊपर तो हमने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। जहां तक कॉन्स्पिरेसी का सवाल है, मैंने आपको कहा कि एफआरडीआई बिल के लिए जो आप लोग भी दिखा रहे हैं, कुछ लोगों के मन में एक अनाधार शंका है, जिसका प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, आम आदमी कहां जाए? कुछ लोगों ने होर्डिंग की है, कर्नाटक, अरे भैया अनुराग भदौरिया थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं क्या? चैनल पे जाए, अपना सब एक्सपर्ट बैठे, पढ़े लिखे विषय पे डिबेट हो रहा है, इस तरह का नॉन दीजिए। आप गरीब आदमी कहां जाए जिसका पैसा बैंक में, शादी अटक गई है, जिसकी फीस जमा नहीं, पहले आप संभालिए। चलिए ठीक है, वापस आते हैं, एक बार आपसे शुरुआत करते हैं सर, सही में क्रंच है या पैसे की कमी है या फिर अफवाह उड़ाई जा रही है, क्योंकि ये भी कहना है सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है। जैसे कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की एटीएम पे कैश क्यों नहीं आ रहा? बता रहा हूँ आपको, सुनिए, 2000 के नोट जो पिछले साल छपने थे नहीं छपे, उसके बाद से वो होल्डिंग में चले गए, लोगों ने उसको होल्ड किया है। दूसरा, हार्वेस्टिंग का सीजन है, व्यापारियों ने पैसा किसानों हर साल नहीं आता हार्वेस्टिंग, सुनिए तो सही, आप एक दो सुनते नहीं एकदम, रीजन पे पहले एक रीजन सुन लीजिए, अरे पहले एक सुन लीजिए, पैसा निकल गया लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं आया, किसानों तक पहुंचा नहीं, किसानों के द्वारा बैंक तक नहीं पहुंचा। फिर 200 का नोट सरकार ने बहुत छापा लेकिन वो जो एटीएम थे वो कैलिब्रेट नहीं हुए, एटीएम में वो पैसा गया नहीं, और जो इलेक्शन है इलेक्शन के लिए बहुत सा पैसा निकल गया। और जो बात है कि एफआरडीए के लिए जो एक चलाया जा रहा है कि आपका पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है, उस कारण से लोग, और ये भी पिछले 10 दिन से ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन ये अफवाह फैलाकर कि बैंकों में पैसा नहीं है, जिसको नहीं पैसा चाहिए किसका दोष है? अफवाह फैलाने वालों का, बिल्कुल
वो भी बैंक में जिसको पैसे की जरूरत नहीं वो भी बैंक में पहुंच जाएगा, तो क्या करोगे आप? राजीव दुबे, पिछले दो हफ्ते से बैंक सारे मेजर बैंक जो हैं आरबीआई को लिख रहे हैं कि कैश की क्रंच है, उनको सप्लाई नहीं मिल रहा है। अगर आप देखिए सिर्फ दिल्ली और मुंबई रीजन में तो जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो आपको एक हफ्ते में मिल रही है। जो रोजाना बैंकों को पैसे की जरूरत है उतना उनको एक पूरे सप्ताह के मिल रहा है। क्या है पूरा सच, क्या है पूरा फसाना? सर आपके पास भी आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद, फॉरन लॉटरी देखते रहिए आज तक। नकदबंदी, और वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर आपके एटीएम में पैसा नहीं है, लोगों को दिक्कतों का सामना कर रहा है अलग अलग जगहों पर। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तमाम सहयोगी लेकर आ रहे हैं जिसमें भोपाल से लेकर पटना, सूरत, अहमदाबाद, श्रीनगर और धौलपुर में एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है, किसकी जवाबदेही? ब्रेक के बाद जारी है बहस। क्या वाकई नकद बंदी है, क्या वाकई कैश की कमी है? आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। पर इससे पहले कि मैं बोलूं, बोल रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। उनका यह कहना है कि कैश की कमी है और पिछले 10 दिनों से वो खुद ही मान रहे हैं कि कैश की कमी है बिहार में, 10 दिनों से ये कमी की परेशानी है। और इसी के साथ वो आगे ये भी कहते हैं कि एटीएम ही नहीं कुछ बैंकों में भी कैश की कमी है। मैंने केंद्र से कैश की कमी की बात पहले ही की थी, कुछ बैंकों में भी कैश की कमी है। इससे पहले कि हम बहस में आगे बढ़े, आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है सुशील मोदी। For the last 8 to 10 days, we had received complaints that in many of the ATMs, they are not getting notes, and even when the people are going to banks, they are not getting the cash from the banks. I talked to Mr. Ravi Mittal about 5 days back, and but for in the last 2 days, things have improved, and I think in the coming days it will improve. तो सुना आपने, वो खुद ही कह रहे हैं कि कैश की कमी है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपसे भी सर मैं रिएक्शन लेना चाहती हूं रविंद्र गुप्ता जी, लेकिन उससे पहले जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा, ये तस्वीरें भी हम छपरा की दिखा रहे हैं, मारपीट बैंक के बाहर, ऐसी हालत है एटीएम के बाहर। वो बता रहे हैं कि न सिर्फ केंद्र सरकार को जानकारी दी थी बल्कि ये भी कह रहे हैं कि कुछ बैंकों में भी कैश की कमी है, सच बताइए साहब। नहीं देखिए, मैं बड़े स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, जो अभी हम सीन देख रहे हैं छपरा की आप बता रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बैंक में कमी रही हो तो वन ऑफ द केसेस हो सकता है, मगर मैं स्पष्टता के साथ अनबोल्ड लेटर से बताना चाहूंगा कि कैश और करेंसी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, देश में पर्याप्त मात्रा में कैश है। इस प्रकार का एक सोच बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिससे कि लोगों में होर्डिंग करने की मेंटालिटी आए। बड़े स्पष्टता के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सरकार से बातचीत करने के बाद आपको बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी सुशील मोदी जी खुद कह रहे हैं कि दो दिन में सुशील मोदी फैला रहे ना सर, और दो एक दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। पात्रा जी फिर तो अफवाह सुशील मोदी फैला रहे ना सर, या तो मैं आपकी बात मानूं या उनकी मानूं। उन्होंने एक दो बैंक, ना ना आप दोनों की बातों को मानिए, सुशील जी ने कहा एक दो बैंकों की बात उन्होंने की है, इसको हम जनरलाइज नहीं करें। उन्होंने कहा कि वो उन एक दो स्थानों पे भी सिचुएशन दो दिन से सुधर गया है और बाकी आने वाले दो दिन में और सुधर जाएगा, और यही गारंटी हम आपको देते हैं, बिल्कुल आप भयभीत ना हो, क्योंकि आसान है, मेरा काम है समझाना। अगर हम भी नहीं समझाएंगे लोग भयभीत हो जाएंगे तो एक अच्छी परिस्थिति नहीं बनेगी। नहीं, भय की तो कोई वजह होनी भी नहीं चाहिए और ना ही अननेसेसरी किसी को एटीएम से पैसा इस वक्त पर निकालना चाहिए, ताकि जो लोग मजबूरी में। रविंदर गुप्ता जी, चूंकि आप ऑफिसर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है परिस्थिति, क्या है इस वक्त हालत, क्यों एटीएम में पैसा नहीं है? देखिए, जैसी स्थिति सामने आ रही है इसका मुख्य कारण तो यह है कि बैंकों के अंदर जो खातों में जो पैसा जमा होना चाहिए, हाँ। एक तो वो जमा नहीं हो रहा है क्योंकि देयर इज अ स्लो ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट इन द अकाउंट्स, क्योंकि बैंकों के अंदर जो पैसा आता है वही सर्कुलेशन के अंदर जाता है, और साथ ही साथ कुछ बड़े विड्रॉल्स और एक अचानक बैंकों से पैसा भी निकल रहा है जिसका मुख्य कारण ही हो सकता है। एक तरफ पैसा जमा नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ पैसा निकलना शुरू हो गया है, और इस पूरी व्यवस्था के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वो देश के अंदर मुद्रा की छपाई भी वही करता है, हाँ। और कंट्रोल भी जो है मुद्रा का जितना भी बैंकों के अंदर जो जाता है वो उसका, और वहां से पैसा एटीएम पे नहीं आ रहा, ये आप कह रहे हैं तो नहीं, अगर आपके हिसाब से आरबीआई की गर्दन पकड़े,
देखिए, सारी की सारी जिम्मेदारी तो जो भी है करेंसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैंक या जो भी बैंकिंग है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको वो सारे का सारा जो पैसा होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है और उसी को ही वो सर्कुलेट करते हैं और खातों के अंदर जो जमा होता है, और ATM के अंदर नॉर्मली जो नई करेंसी डाली जाती है सबसे बड़े ये सर, थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए एक दो छोटे छोटे सवाल पूछूं, हाँ ना बोलिएगा। 2000 के नोट की जमाखोरी इस वक्त हो रही है, लोग विथहोल्ड कर रहे हैं 2000 के नोट की जमाखोरी हो रही है। मैं इसको एक डाटा से आपको प्रूव करना चाहूंगा। इस समय मार्च 2017 के अंदर 50% से ज्यादा जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो 2000 से ज्यादा के नोट थे, और आज स्थिति ये है कि आज 90% जो संख्या जो इस टाइम है वो 500 और 2000 के नोट की है, और 10% से नीचे जो बाकी आपके जो डिनोमिनेशन है वो है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 और 500 का नोट 90% से ज्यादा है। डिमोनेटाइजेशन के समय पर जो नोटों की संख्या या मुद्रा की संख्या थी, आज कहीं से थोड़ी मुद्रा ज्यादा है। तो ये क्या कारण है कि आज जो है व्यवस्था के अंदर वो नोट कहाँ चले गए हैं, वो नोट बैंकों के अंदर जमा क्यों नहीं हो रहे हैं 90%? में पहली तो राजीव दुबे जी, शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं देश को बूझने के लिए, मुख्यमंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि 2000 के नोट कहाँ चले गए हैं, कौन साजिश रच रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। देखिए, होर्डिंग तो डेफिनेटली हो रही है, तो नोटबंदी फेल हुआ ना, जो लोग लाइन में खड़े हुए वो बेवकूफ उसी बने? के लिए होर्डिंग किया, उसी के लिए नोटबंदी किया गया था, वो नोटबंदी का मेन ऑब्जेक्टिव था। पिंक इज द न्यू ब्लैक जो अंग्रेजी में कह रहे हैं, मतलब 2000 के नोट अब काला पैसा बनते दिखाई दे रहे हैं देश में, क्या मैं सही कह रही हूँ? डेफिनेटली, और जो इलेक्शन सीजन होता है उसमें तो 2000 नोट के और हाई डिनोमिनेशन जो नोट है उनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप सर ये बता रहे थे अश्विनी राणा जी ब्रेक में, चूंकि आप बैंक एसोसिएशन है, बैंक वर्कर्स के एसोसिएशन से हैं, आपका कहना है कि अफवाह फैलाया जा रहा है। आपने कहा ना कि FRDI की बैंक में आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, ये अफवाह कौन फैला रहा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी, वामपंथी यूनियनों ने ये खुद अफवाह फैलाई कि FRDI बिल आने के बाद आपका पैसा सुरक्षित नहीं होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, और पिछले 10 दिन से अगर कैश का क्रंच हो सकता है हुआ होगा वो उसके कारण राजीव जी ने बताए हैं, अग्रवाल जी ने बताए हैं, मैंने भी बताया है, होल्डिंग पे चला गया है, सर्कुलेशन में नहीं है, बैंक से आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है, मतलब बैंक में पैसा आएगा। साहब ये कह रहे हैं कि विपक्ष, आप इस पर हंस रहे थे लेकिन इनका यही कहना है कि विपक्षी पार्टियां और जो लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन है वो लोगों में अफवाह फैला रही है कि बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं है, इसलिए लोग निकाल रहे हैं। तो अंजना जी, इनसे पूछ लीजिए, सुशील मोदी जी के गलत कह रहे हैं, RBI कह रहा है कि 2-1 दिन में स्थिति सुधर जाएगी। सुशील मोदी जी ने ये कहा कि पैसा नहीं है, उन्होंने कहा कि कंप्लेंट्स आ रही हैं, उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया। आप बयान को ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा है कि पैसा नहीं है, कंप्लेंट आई है। भाई सरकार, आप बयान को ध्यान से सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की है, आप जैसे लोगों ने ऐसा अफवाह फैला रहे हो, इस शब्द में आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है काम, इस तरह की अफवाह फैलाने नहीं है। ज्यादा अच्छा रहेगा, विशेषज्ञ के नाम पे बैठे बातें आप विपक्ष पे लगा रहे हो आरोप। बैंक वर्कर्स एसोसिएशन के हैं बैठे पात्रा जी से, भैया अरे भदौरिया साहब जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, बैंक वालों को पढ़ रही है, आप तो मजा ले रहे हो, आप तो अफवाह फैला के लोगों को भड़का के और बैंकों के बाहर खड़ा कर दिया आपने। मैं कैमरा लेके तो विपक्ष घूम नहीं रहा है, ATM पे तो आपकी मीडिया के लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पैसा नहीं है, उनको भड़का रहा है भैया, आप क्यों भड़का रहे हो क्या? राजनीति मत करो, कम से कम लोगों को कहो कि आपका पैसा सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में सुरक्षित है, लेकिन आप अपनी राजनीति करने के बाद नहीं जाते, और जिसके कारण ये दिक्कत होगी। नोटबंदी ने भी आपके राजनीति की, आज भी आप राजनीति की लोगों का ऑपरेशन, छोटी छोटी बीमारियों का पैसा नहीं दे पा रहे, छोटे छोटे ट्यूशन का फीस नहीं दे पा रहे, पूरा पैसा है भैया, आप राजनीति मत करो, ग्राउंड लेवल पे कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक सेकंड, इनकी परेशानी क्या होती है उनके लिए? अरे भदौरिया साहब, चीज होती है, आप भदौरिया साहब मानते तो है नहीं। भदौरिया साहब देखिए, मुझे पता है कि आप सबसे ऊंचा बोल सकते हैं लेकिन प्लीज सर हर किसी को सुनिए। दोनों एक सेकंड सर, बैंक वर्कर्स एसोसिएशन के एक बैंक वर्कर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, एक जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के, और दोनों का कहना है कि विपक्ष और भी अफवाहें फैला रहा है। मुझे लगता है कि जयवीर शेरगिल जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं दोनों। जयवीर जी, मैंने आपको टोका नहीं, धैर्य रखिए, बोलिए।
मैडम एक राजनीति से हटके एक बात रखना चाहता हूँ, आम जनता बैंकों में पैसा एक विश्वास पे जमा करवाती है कि जब वो बैंक जाएगी एटीएम का बटन दबाएगी उसको पैसा मिलेगा, अगर वो नहीं मिलता तो सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों में वो विश्वास टूटता है और वाजिब सवाल खड़ा होता है कि पैसा है नहीं कि उसका दुरुपयोग जिसे साइफनिंग ऑफ कहते हैं वो हो रहा है, वो एक्सपर्ट नहीं है। अगर ये लोग बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, विपक्ष भी 70% जनता का प्रतिनिधि है, पहला ये सवाल वाजिब है। दूसरा, आज से 2 साल पहले भी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं आज फसल कट रही है आज हो रहा है, क्या बैंकों के बाहर जनता को लगा दिया है कि हार्वेस्टिंग जब होगी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्या ये नोटिस लगाया एक्सपर्टों ने? ये तो कहीं नोटिस नहीं है, तब सर्दियों में कतार में खड़े थे आज गर्मियों में कतार में खड़े हैं, कब आपने सुना आखिरी कैश क्रंच के बारे? तो जनता का यह सवाल, अगर राजनीति है तो राजनीति करेंगे कि गड़ी मेहनत की कमाई आखिर गई कहां, कौन लेके उड़ गया, क्या 5.5 लाख एनपीए जो बैड लोन्स की संख्या है उसमें पैसा लौटा दिया और क्या सुशील मोदी और संबित पात्रा जी अपना लुक्का छुप्पी का और गुमराह करने का खेल बंद कर देंगे तो जनता को स्पष्ट तरीके से जवाब दें डॉक्टर पात्रा? और ये जो बीजेपी नंबर 2 प्रवक्ता बैठे हैं राणा साहब, एक बैंकिंग एक्सपर्ट वाइस प्रेसिडेंट जरूर होंगे, हम भी विपक्ष के प्रवक्ता हैं और जनता एक्सपर्ट नहीं समझती। वो सुनिए वो बैंकों में बटन दबा के अपना पैसा लेने जाते नहीं मिलेगा, डर लगेगा और लगना चाहिए कि मैं बैंक में जब पैसे जमा करा रहा हूँ मुझे क्यों नहीं मिल रहा, 8 करोड़ और 16.5 लाख करोड़ उनको पैसा चाहिए एटीएम से, वो अंजना जी राजनीति कर रहे हैं, डर फैला रहे हैं, जनता को डर लगना चाहिए, पैसा नहीं दे रही जनता का पैसा, आप विपक्षी लोगों ने इसको किया नहीं, पार्लियामेंट में भी हल्ला मचाया, बाहर भी हल्ला मचाया, अविश्वास कौन पैदा कर रहा है? आप अगर जिम्मेवार विपक्ष है तो जनता को कहिए कि आपका पैसा सुरक्षित है, ऐसे बैंकर भी हम कह रहे हैं आपका पैसा सुरक्षित है, जल्दी से डॉक्टर समित पात्रा, डॉक्टर पात्रा बोलिए, दृश्य दिखा रही है बैंकों के बाहर जाके प्रवचन कीजिए, सब लोग चिल्ला रहे हैं मैं कैसे बोलूं, दलीलें बैंकों के बाहर जाके दीजिए, अंजना जी आपको याद होगा अंजना जी आपको याद होगा 2016 में इसी प्रकार का एक डिबेट में हम बैठे थे कि देश में भारी शॉर्टेज हो गया है नमक का, नमक नहीं मिलेगा और आदमी बिना नमक के अपना प्राण त्याग देगा, आप देखिए आज हम हंसते हैं उस पे कि किस प्रकार से अफवाहें उड़ाई गई थी कि नमक खत्म हो गया है इस देश से और उस समय किन लोगों ने अफवाह उड़ाया था यह भी हमें आज पता चल रहा है। देखिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कोई कैश करेंसी में क्रंच नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कैश है और प्रतिदिन 2,500 करोड़ रुपए की छपाई हो रही है। अंतिम हिस्से में राजीव दुबे जी आपके पास आते हुए, दो दो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 2,000 के नोट कहां चल गए पता नहीं, सुशील मोदी कह रहे हैं बैंक में एटीएम में परेशानी है केंद्र सरकार को बताया था, मैं और आम नागरिक क्या समझे, क्या परिस्थिति है? देखिए जहां तक सरकार का सवाल है वो बोल रहे हैं 1,75,000 करोड़ के उनके पास करेंसी रिजर्व में है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एक इस वक्त मार्केट में इकोनॉमी में ये भी है कि 16% 2 लाख एटीएम हमारे हिंदुस्तान में है उसमें से 16% एटीएम में कैश नहीं है, 16% में जो कि 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख एटीएम टोटल है उसमें से 32-32 हजार जिसमें कैश नहीं है, कैश नहीं है तो ये भी ग्राउंड रियलिटी है, और ये असामान्य है, 8% नॉर्मली होता है 8-9%, लेकिन ये 16% एटीएम में इस वक्त पैसा नहीं है तो ये भी ग्राउंड रियलिटी है, और दोनों मुख्यमंत्रियों को भी समझा दें बिल्कुल कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वही अफवाह फैला रहे हैं, क्या वही डर पैदा कर रहे हैं, और अगर नहीं तो आप किस चीज पर पर्दा डाल रहे हैं, कतरन को क्यों कालीन के नीचे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।